मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हिडन सीक्रेट्स। अब नाम से ही समझ गए होंगे आप, या तो बॉलीवुड के किसी फिल्म को लेकर या फिर यहाँ पर आपके किसी पसंदीदा सितारे को लेकर। इनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट्स लेकर हम इस खास प्रोग्राम में हाजिर हैं जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। कुछ ऐसे राज जिनसे आप अब तक थे अनजान, कुछ ऐसे राज जिन पर अब तक पर्दा था, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम में ये पर्दा हटेगा और सीक्रेट सामने आएगा। बता दें आपको, इन दिस स्पेशल प्रोग्राम वी विल टॉक अबाउट एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा। जी हाँ, सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जिनकी जिंदगी कहते हैं कि एक खुली किताब है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जिनकी लाइफ को लेकर कहा जाता है कि रेखा की जिंदगी से जुड़ा हर पन्ना तो उनके फैंस के सामने खुला पड़ा है, लेकिन द बजेस रेखा की जिंदगी में भी कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अब तक छिपे हुए हैं। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में नो डाउट एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इन हिट फिल्मों को देने से पहले रेखा ने किस तरह बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है, रेखा ने किस तरीके से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके कंधे पर थी इन्हें पूरा करते हुए पर्दे पर कुछ ऐसे सीन्स किए हैं जिन्हें लेकर आज भी सदाबहार अभिनेत्री रेखा पछताती होंगी। इन सब पर हम करेंगे आपसे बात और एक खास रिपोर्ट के जरिए रेखा के सफल फिल्मी सफर से हटकर रेखा की बॉलीवुड जर्नी के उस पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर उन्हें मिली सिर्फ और सिर्फ बदनामी। कौन सी फिल्में थी, फिल्मों में रेखा ने ऐसा क्या किया, और जब फिल्में रिलीज हुई तो बीता उन गलियारों में किस तरीके से तहलका मचा, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी खास रिपोर्ट। 70 और 80 के दशक में अपने हुस्न के जलवों से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना देने वाली, 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और अपनी मुस्कान से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लेने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज की नई एक्ट्रेस से इस उम्र में भी पीछे नहीं है। आज के जमाने की जवान अभिनेत्रियों को सदाबहार अभिनेत्री रेखा कड़ी टक्कर देने की ताकत रखती हैं हर फील्ड में। समय बीतने के साथ साथ रेखा की खूबसूरती और हॉटनेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उनकी खूबसूरती हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हिडन सीक्रेट्स में आज हम आपसे सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राजों पर बात करेंगे जिन्हें आज की तारीख में भी रेखा उजागर होते हुए नहीं देखना चाहती होंगी। हिडन सीक्रेट्स में हम आपसे बात करेंगे सदाबहार अभिनेत्री रेखा के उन सीक्रेट्स के बारे में जिन्हें सामने आते हुए रेखा इस उम्र में भी नहीं चाहेंगी। 70 और 80 के दशक में कई हॉट सीन्स देने वाली रेखा ने इन्हीं सीन्स की बदौलत बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया था, जहां एक तरफ सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर के चर्चे हमेशा होते हैं, वहीं इन सब से हटकर रेखा के हॉट सीन्स भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने कई हॉट बेड सीन दिए जो उस जमाने में भी दर्शकों को उनकी ओर आकर्षित कर गए, और आज भी ये हॉट सीन्स रेखा सेंसेशनल सीन्स के नाम से आपको दिखेंगे यूट्यूब पर। इन सबसे हटकर आपको बता दें, जिस समय में रेखा ने एक के बाद एक लगातार बोल्डनेस फिल्मी पर्दे पर दिखाई, ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब एक्ट्रेसेस बेड सीन और इस तरह के हॉट सीन देने से साफ तौर पर डायरेक्टर्स को मना कर देती थी, लेकिन रेखा ने सारी हदों को पार करते हुए दिवंगत एक्टर ओम पुरी से लेकर अक्षय कुमार तक सबके साथ हॉट सीन दिए, और ऐसे ही सीन्स को देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोग खिंचे चले जाते थे।
ऐसे ही सीन्स के लिए सिनेमा हॉल्स तक हाउस फुल हो जाया करते थे। ऐसे ही सीन्स की वजह से रेखा की फैन फॉलोइंग हर रिलीज हुई पिक्चर के साथ बढ़ती गई। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि रेखा ने कई बड़ी फिल्मों में हॉट सीन दिए हैं, लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर रेखा ने बॉलीवुड की दुनिया में पैर जमाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों का भी सहारा लिया। जी हाँ, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपे हैं जो राज, इस दुनिया में करियर बनाना नहीं है इतना आसान। बॉलीवुड की दुनिया में अपने पैर जमाना, बॉलीवुड की दुनिया में नाम कमाना, इस दुनिया में खुद को स्थापित करना इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए कई बार चाहे अभिनेता हो या अभिनेत्री, इन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ये कभी नहीं करना चाहेंगे। ऐसा ही कुछ किया बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने भी। जी हाँ, रेखा जिनकी शुरुआत हिंदी सिनेमा में कुछ खास नहीं रही, जे रेखा जिनकी शुरुआत बॉलीवुड की दुनिया में इतनी ज्यादा धमाकेदार नहीं हुई, मोटापा और ज्यादा गाढ़े रंग की वजह से रेखा को रिजेक्शन का सामना कई बार करना पड़ा, और इन सब के बीच में रेखा ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। बता दें आपको, पारिवारिक स्थिति रेखा की ठीक नहीं थी और इसीलिए परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने तमिल की कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। कामा सूत्र जैसी इरोटिक फिल्म में भी रेखा काम कर चुकी है। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की हो, लेकिन एक ऐसी भी फिल्म है जिसमें उन्होंने जबरदस्त बोल्ड सीन्स दिए। ये वो सीन्स हैं जिन्हें आज खुद रेखा भी नहीं देखना चाहेंगी, क्योंकि इन बी ग्रेड फिल्मों में रेखा की बेशर्मी साफ दिखाई दी। इन बी ग्रेड फिल्मों में रेखा सरेआम बोल्ड होती हुई पर्दे पर दिखाई दी। बता दें आपको, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस फिल्म की, उसका नाम है प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये एक लगभग बी ग्रेड फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त लीड रोल में थे। फिल्म के जितने पोस्टर्स बाहर आए उनमें रेखा काफी ज्यादा एक्सपोज करती हुई खुद को दिखाई पड़ी, और इस तरह के पोस्टर्स ने उस दौर में काफी ज्यादा हंगामा मचाया, जहां एक ओर रेखा को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ। फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगने को लेकर कई तरह के बवाल मचे। बावजूद इसके, जब पर्दे पर ये फिल्म रिलीज हुई, जब पर्दे पर फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए आई, तब इस सीन को देखने के लिए थिएटर के बाहर दर्शकों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। बता दें आपको, इस फिल्म में रेखा ने एक तवायफ का कैरेक्टर निभाया था। ये थे रेखा के वो हिडन सीक्रेट्स जिनसे आज रेखा भी मुंह फेर लेती होंगी। ये थे रेखा के वो सीक्रेट्स जिन्हें आज रेखा भी नहीं फेस करना चाहती होंगी। अब इन सबसे हटकर आते हैं रेखा के आज पे। भाई, आज की तारीख में सदाबहार अभिनेत्री रेखा के क्या ही कहने। सदाबहार अभिनेत्री रेखा यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। भले ही अपनी जिंदगी में अकेली है रेखा, लेकिन जब भी उन्हें आप देखेंगे, चेहरे पर मुस्कान लिए आप सभी को दिखाई पड़ेंगी। 64 साल की हो चुकी है रेखा और खूबसूरती आज भी उनकी लगती है माशाल्लाह। तो ये थे बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी के कुछ हिडन सीक्रेट्स। लेकिन आज की तारीख में भी आपको बता दें, ऐसे सीन्स तो अमूमन हर अभिनेत्री ने अपने फिल्मी करियर में दिए हैं, अपनी फिल्मों में दिए हैं, मगर 70-80 के दशक की ये अदाकारा रेखा, 80-90 के दशक की ये खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा आज की तारीख में भी लाखों लोगों के दिलों की जान है, और आज भी रेखा को देखकर नौजवानों की धड़कनें जरा थम सी जाती है। दोस्तों, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हिडन सीक्रेट्स में हमने आपको रेखा के कुछ राजों से रूबरू करवाया जो अब तक पर्दे में थे। अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बिना सोचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और रहें अपडेटेड।